जी नागरिक सकते जहाँ पे चौधरी मोहम्मद आम रहमान चौधरी सुनार रहमान नेजाबाजी पंजाब का रवायती खेल है जिसकी तारीख सदियों पुरानी है और इस तारीख को याद करने के लिए मेला मंडी ग्राउंड जोराबाद में एक रोज़ा चौधरी अहमद मरहूम चैंपियनशिप नेजाबाजी का इनेकाद हुआ जिसमें पंजाब भर से मुमताज़ नेजाबाज क्लबों ने शिरकत की और अपने फ़न का मुजाहरा किया। चैंपियनशिप के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी शुजा रहमान टीपू थे जिन्होंने अपने वालद मरहूम चौधरी मोहम्मद अहमद की याद में इस नेजाबाजी चैंपियनशिप का इनेकाद करवाया। के मेहमान खसूसी मुल्क के नावर ट्रांसपोर्टर हाजी मलिक फारूक बंदियाल एमपीए मलिक मोहम्मद आसिफ बावान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ज़िला खुशाब के सदर मलिक साद बशीर अवान थे जिन्होंने इंतहाई दिलचस्पी से नेज़ाबाजी के ये मुकाबले देखे और खूब दाद दी। दिन भर जारी रहने वाले इस खूबसूरत नेज़ाबाजी मेला में मुल्क भर से नेज़ाबाजी के शौकीन हज़रात हज़ारों की तादाद में शरीक हुए और मुमताज़ नेज़ाबाजों की शानदार परफॉर्मेंस से खूब महज़ूज़ हुए। दिन भर मौजूद मेहमानों और शौकीन हज़रात की आमद का सिलसिला जारी रहा। ये जो आज का इवेंट है नेज़ाबाजी का खसूसी तौर पर भाई शुजा रहमान टीपू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ये माशाल्लाह अब रोज़ों की आमद आमद है। उससे पहले ज़िला खुशाब को एक बहुत खूबसूरत इवेंट और बहुत खूबसूरत नेज़ाबाजी बड़ा मज़ा आया है और यकीन माने इस तरह के खेल और इस तरह की जो सकाफ़ती हमारे जो मेले होते हैं या सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं ये होने चाहिए। खुशाब में इन चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डिस्ट्रिक्ट खुशाब में नेज़ाबाजी घुड़सवारी और घुड़दौड़ माशाल्लाह बहुत अरूज पे है। यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं बड़े बड़े घुड़सवार हैं तो इससे हमने बड़ा इंजॉय किया है जी और डिस्ट्रिक्ट खुशाब की ये सकाफत इंशाल्लाह कैमो दैम रहेगी और इंशाल्लाह खुशाब ऐसे ही तरक्की करता और जगमगाता चहचहाता रहेगा। मेला में पंजाब भर से नेज़ाबाज क्लबों ने शिरकत की और शानदार इनेकाद और भरपूर मेहमान नवाजी पर मेला इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। आज का जो इवेंट है चौधरी शुजा रहमान टीपू साहब करा रहे हैं बहुत अच्छा इवेंट है और मेहमान नवाजी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। डिसिप्लिन चार इवेंट हो रहे हैं लाइन नेज़ाबाजी सेक्शन सिंगल टीम कैप्टन मुकाबला इतने शॉर्ट टाइम में जितने ज़्यादा इवेंट कराना बड़ा औखा काम है लेकिन बहुत अच्छा इवेंट है बड़ी डिसिप्लिन नाल हो रहे हैं और ग्राउंड काफ़ी अच्छा है घोड़े अच्छे हैं सवार अच्छे आए हैं और इनवाइटेड टीम्स हैं 40 to 45 लेकिन उन्हें हर मेहमान का भी ख्याल रखा है। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हो रही है और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं चौधरी शुजा रहमान टीपू का जिन्होंने इवेंट कराया है। पंजाब भर से 70 क्लबों की 100 से ज्यादा टीमों ने शिरकत करके नेज़ाबाजी के इस मुकाबले को चार चांद लगा दिए। बंदियाल ने जहां नेज़ाबाजी को पंजाब की सकाफत करार दिया वहीं मेला के शानदार इनेकाद पर चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी शुजा रहमान टीपू को मुबारकबाद भी दी। ये आज जो यहाँ पे ये फेस्टिवल में देख रहा हूँ नेज़ाबाजी का ये खसूसन मैं मुबारकबाद दूंगा ये शुजा रहमान टीपू साहब को कि ये जो हमारे गेम्स होती हैं ये हमारी सकाफत का हिस्सा है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी कौमें वही होती हैं जो अपनी तारीख को याद रखते हैं जो हमारे माजी को याद रखें ये हमारी हिस्ट्री है और हम अपनी इस हिस्ट्री को ये कायम दायम रखना चाहते हैं और अच्छी कौमों की ये निशानी होती है। बाकी जहाँ तक ये मेले का ताल्लुक है मैं बड़ा महसूस हो रहा हूँ यहाँ का डिसिप्लिन देख के यहाँ की इंतज़ामिया की मैनेजमेंट देख के अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा किस्म का मेला है जैसा कि डिस्ट्रिक्ट का एक मेला हुआ करता था ये उसी लेवल का ये मेला है और काफ़ी तादाद में कसीर तादाद में यहाँ पर बहुत ही अच्छे किस्म के घोड़े शहसवार यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कम्पटिशन जो है वो बहुत ही बखूबी अंदाज में हो रहा है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खसूसन शुजा रहमान साहब को भाई मलिक अशरफ अवान साहब को और जिससे खुशाब के जितने भी
यहाँ पे लोग मौजूद हैं सबको, तो ये आपकी एक बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने नुमाइंदगी आपकी इसको बरकरार रखी, और मैं हमेशा ये दुआ दूंगा शुजाउर रहमान टीकू साहब को और उनसे ये कहूँगा कि ये इस किस्म के मेले हमेशा हर साल होने चाहिए आपकी सरपरस्ती में और आपके ही ज़ेर इंतज़ाम, ताकि ये लोग जो कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा मंशियात और गलत किस्म की एक्टिविटीज़ आ गई है, ये जो मेले खड़े या स्पोर्ट्स होती हैं ये उन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होके लोगों को अच्छी तफरी मिल जाए तो दूसरी तरफ इंसान का ख्याल ही नहीं जाता। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँ। और समारोह का लहू गरमाने के लिए उस्ताद शमा खान ढोल पार्टी आप नूरपुर थल ने अपने साथियों समेत ढोल की थाप पर घोड़सवारों का लहू गरमाया और मुख्तलिफ धुने पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी शुजाउर रहमान टीपू ने अपने वालिद मरहूम की याद में मुनक्किदा इस नेज़ाबाजी मुकाबला में आवाम की भरपूर शिरकत पर मुसर्रत का इजहार करते हुए बताया कि चौधरी आमद मरहूम चैम्पियनशिप 4 इवेंट लैन नेज़ाबाजी सेक्शन सिंगल और टीम कैप्टन मुकाबलों पर मुश्तमिल थी। आज का ये जो हमने इनेकाद किया है नेज़ाबाजी का, ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पंजाब का एक सकाफती हुसन है नेज़ाबाजी, तो हमने उसको थोड़ा सा होशियार शहर के हद तक हमने उसको जो है पूरे पंजाब से टीमें बुलाकर एक भरपूर मेले का इनेकाद किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से अच्छी टीमें हमने बुलाई हैं, और जैसा कि ये पंजाब का एक सकाफती खेल है तो हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि जैसा कि ये महंगा खेल है तो अगर गवर्नमेंट इसमें हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प करे तो हम इसको और भरपूर तरीके से इस लेवल पे ले जा सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं यंग खिलाड़ी हैं वो अपना नाम पैदा करके आएंगे। और आज ये सुबह से जारी है, बाकी माहौल आप देख रहे हैं, रश का हिसाब किताब है, लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो आवाम है उसमें बहुत ही जोश व खरोश पाया जाता है नेज़ाबाजी के हवाले से, तो अल्लाह ताला का करम है, ये मैंने एक अदना सी कोशिश की और इंशाल्लाह ताला हर साल इसको हम कोशिश करेंगे जारी। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसियों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।